इंदिरा आईवीएफ सेंटर खुशियों को दे रहे हैं जन्म। मैंने सन 2005 में MBBS किया था मैसूर से, और उसके बाद दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएशन गायनी में करने के बाद सिंगापुर से IVF में कोर्स किया था। एक विश्व स्तरीय ऑर्गेनाइजेशन है जिसके की लगभग 12 सेंटर्स अब तक इंडिया में ओपन हो चुके हैं और काफी अच्छे रिजल्ट्स हमारे IVF में आते हैं। हमारे हॉस्पिटल का एम है एक काफी लो कॉस्ट में अच्छी सर्विसेज देना, जो कि निसंतान दंपत्ति देखने में आते हैं कि आमतौर पर काफी दुखी रहते हैं क्योंकि उनके जीवन में बच्चों का सुख नहीं मिल पाता है। तो मेनली मिडिल क्लास कपल्स को हम टारगेट करते हैं जिनकी की पहुंच से ये सब तकनीक्स IVF की बाहर है, क्योंकि ये इनकी कॉस्ट काफी ज्यादा होती है जिसकी वजह से वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ऐसे ही कपल्स के जीवन में खुशियां प्रदान। हमारे हॉस्पिटल में IVF से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज हैं, जैसे IUI, IVF, ICSI, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, लेजर असिस्टेड हैचिंग, एम्ब्रियो ग्लू। इसके अलावा फ्रीजिंग की भी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जिसमें कि स्पर्म फ्रीजिंग, एम्ब्रियो फ्रीजिंग आती है। इसके अलावा एक न्यूली डेवलप्ड विंग भी बनाया गया है जिसमें कि डिलीवरी से और बच्चों से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज हैं। एक नई NICU भी बनाई है जिसमें कि विश्व स्तरीय सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जैसे कि वेंटिलेटर, CPAP, ये सभी सुविधाएं अवेलेबल हैं। आमतौर पर सभी जगहों पर स्टीरियोजूम माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है, जो कि एक टेबल टॉप माइक्रोस्कोप्स होते हैं जिनमें कि बाहर की हवा, पानी, वातावरण सब चीज का इन्फ्लुएंस आता है। भ्रूण बनाने का काम इसी टेबल टॉप माइक्रोस्कोप में किया जाता है। जो भ्रूण जैसी चीज तो काफी नाजुक होती है, तो इनपे यदि बाहर का हवा पानी असर करेंगे तो ये खराब हो जाता है, इससे इनको शॉक लगता है जिसको थर्मल शॉक कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर ये काम जो है क्लोज वर्किंग चैम्बर्स में किया जाता है। ये मशीन्स इंडिया में नहीं बनती, सीधे ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट होके मंगाई जाती हैं। तो इनके अंदर सेम वही वातावरण रहता है जैसे कि माँ के गर्भ के अंदर रहता है, जैसे कि ऑक्सीजन लगभग 6%, कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर, जो भी माँ के गर्भ के अंदर रहता है वही सेम चीजें इस बॉक्स के अंदर रहती हैं, जिससे कि जो भ्रूण बनता है उसको पता ही नहीं चल पाता कि वो माँ के गर्भ के अंदर है या बाहर है। तो वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी का बनता है और यही कारण है जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट भी काफी अच्छे हैं।
हमारे यहाँ लगभग 40 डॉक्टर्स की टीम है और इतने ही लगभग 40 से 50 एम्ब्रियोलॉजिस्ट की टीम है जो कि इन हाउस ही रहते हैं, हमारी केवल हमारी ही संस्था के लिए काम करते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ आर्ट लेबोरेटरी और इंदिरा की अनुभवी टीम इसे सबसे अलग और सबसे तेजी से सफलता की ओर बढ़ने वाला IVF सेंटर बनाती है। इनफर्टिलिटी किसी भी कारण की वजह से हो सकती है, कभी लगभग 30% केसेस में मेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और 30% केसेस में फीमेल्स रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। लगभग 30-40% ऐसे होते हैं जिनमें कि दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं या फिर कोई सब चीजें नॉर्मल होने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, ऐसे केसेस को हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। ये रहता है कि जो काम ट्यूब्स के अंदर होता है वो प्रोसेस हम ट्यूब्स के बाहर करते हैं, जैसे एग्स बनाते हैं बहुत सारे और उनको बाहर निकाल लिया जाता है और उसी दिन स्पर्म्स को लेके दोनों को मिला के भ्रूण बना के वापस गर्भाशय के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। लगभग 2 दिन का प्रोसेस होता है, उससे पहले लगभग 10-12 दिन इंजेक्शन लगते हैं जो की एग्स बनाने के इंजेक्शन रहते हैं, फिर एक छोटा सा प्रोसेस होता है जो की बेहोशी में किया जाता है, कोई टाका या चीरा नहीं आता उसमें, और उससे फिर एग्स को बाहर निकाल लेते हैं, फिर 2 या 3 दिन के बाद जब भी भ्रूण अच्छे से रेडी हो जाते हैं तो उनको वापस गर्भाशय के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो यदि मदर यदि खुद IVF वाली पद्धति से पैदा हुई है तो उनके बच्चे भी IVF से होंगे। जो वर्ल्ड की पहली IVF बेबी थी लुइस ब्राउन, वो उनका जन्म हुआ था 1978 में और अब वो खुद भी 2 बच्चों की माँ है और उनके दोनों बच्चे ही नॉर्मल डिलीवरी से। हमारे यहाँ पे जो फैसिलिटीज हैं वो इतने अफोर्डिंग रेट्स पर हैं कि आपको कहीं और पे ये फैसिलिटीज का मिलना और उसके बाद इतने कम रेट्स में मिलना ये ही चीज इम्पॉसिबल है। मैम यहाँ के इंडिया IVF के फ्यूचर प्लान, यही है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इन सब फैसिलिटीज का फायदा उठा सके उतना अच्छा रहेगा। अभी हमारे लगभग 12 सेंटर्स हैं और 2-3 और नए सेंटर्स खुलने वाले हैं। अभी रिसेंटली 24th को इनॉग्रेशन है नागपुर सेंटर का और उसके बाद चेन्नई, बैंगलोर, कैलकटा तीनों जगहों पर काम चल रहा है सेंटर्स का। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आजकल जो है लोग खर्चे की वजह से तांत्रिकों, ओझाओं सबके चक्कर में फंस जाते हैं और सही समय पर सही इलाज नहीं करा पाते हैं, लेकिन ये IVF जैसा प्रोसेस कोई घबराने वाली या पीछा छुड़ाने वाली बात नहीं होती है। यदि सही उम्र पर सही राय और सही उपचार आप लें तो फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप भी अपने जीवन की खुशियों को संपूर्ण बनाएं, एक कदम फर्टिलिटी की ओर बढ़ाएं। अब किलकारी गूंजेगी, कोई मस्ती सूझेगी, भर जाएंगी खुशियाँ, महकेगी अपनी दुनिया। संतानता की दुनिया में विश्वसनीय नाम इंदिरा इनफर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। इंदिरा IVF सेंटर, खुशियों को दे रहे हैं जन्म।